जय जगन्नाथ। महाप्रभु प्राण पुरुषोत्तम जगतरनाथ जगन्नाथ कालिया शांतंकर श्री चरण कमल रे ऐसे वक्र सष्टंग आभूम भूय भूय दंडवत प्रणाम। भक्त बंधु आपण मानंको ओडिसा 365 यूट्यूब चैनल द्वारा प्रचारित श्री जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। मणिमांकर अहेतुकी करुणा को पाथेय करी आपण महाप्रभुंकर भिन्न भिन्न जस लीला कीर्ति विस्तार को श्रवण करी आनंदानुभूति निश्चित भाव करुथिबे। भक्त बंधु मणिमा होचंदी भावग्राही, तांकु भावरे जिए जहा दिए पत्रं पुष्पं फलं तोयं युमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपय हृत्यं अस्नामि प्रजतात्मनः। निज भगवान गीतार स्पष्ट भाव कहउचंती, हे अर्जुन जे मते भक्ति सहकारे पत्र पुष्प फल एवं जल अर्पण करिथाय, हे अर्जुन गोटिए मात्र शर्त सेतरे भक्ति रहिथिवार आवश्यकता रहिछि। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। कारण महाप्रभु द्रव्यग्राही नुहन्ति, प्रभु अन्नग्राही नुहन्ति, प्रभु वस्त्रग्राही नुहन्ति, प्रभु मंत्रग्राही नुहन्ति, प्रभु गुणग्राही नुहन्ति, सिए भावग्राही जनार्दन। तांकु भावरे गाली देले स्वीकार करिवे, भावरे गोईठा मारिले स्वीकार करिवे, भावरे तांकु जहा देबे ताकु महाप्रभु स्वीकार करिवे। जदि सेया नहि थांता जो दिय सबरीर अईठा फल स्वीकार करि पारिला, जे श्रीवत्स्य भृगुपद गोईठा को स्वीकार करि पारिले। दुर्योधन जेतेबेले भगवान कृष्ण को निवेदन करिथिला प्रभु मु आपण पई 56 भोगर बंदोबस्त करिछि, जेतेबेले प्रभु पांचोटी पड़ा मागिबा निमन्ते दूतपणरे जाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूतपणरे जाओ, जेतेबेले आपण को पंचु पांडव प्रेरण करिथिले दुर्योधन निकट को पांचटा गाँ मागिबा निमन्ते, आउ सेठी दुर्योधन आपण को निवेदन करिथिला हे प्राणनाथ हे प्रभु आपण स्वीकार करंतु 56 भोग, किंतु तार भाव को महाप्रभु स्वीकार करनथिले। प्रभु श्री गोटिए पद कहिथिले कि हे दुर्योधन जदि जणे अन्य जणंकर सहित तीनटा कारण थिले भोजन ग्रहण करे, आपण मध्य कथा को मर्मे मर्मे अनुभव करिवे दर्शक बंधु, तीनटा कथा जदि जेकोनसी कथा जणंक सहित आपणंकर थिबो तेबे जाई आपण तार भोजन तार द्रव्य को स्वीकार करिवे ना कौन ना अभाव प्रभाव आउ स्वभाव। भगवान कहले दुर्योधन जदि मोर अभाव थिबो मो पाखरे खाइबा पई नथिबो मु बुभुक्षु थिबी पेट मोर भोकरे पोड़ी जाउथिबो तेबे निश्चित भाव रे तमे जहा दबो मु खाइबी। आ जानिछ प्रभाव जो लोकटा दबार थिबो जदि तार प्रभाव रहिछि आपणंक निकटरे आपण बाध्य हेकि स्वीकार करिवे। जदि कोनोसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री निमंत्रण करिवे तांक घरे जलखिया देबे से निश्चित खाइबो जेतु प्रधानमंत्री को प्रभाव रहिछि। आ जदि गोटे भिकारी आसी आपणंक द्वारे खाइबा को मागिबा आपण ताकु निश्चय देबे जणु तार अभाव रहिछि। आ तृतीय जे स्वभाव जदि दुई जणंकर स्वभाव मिसिला ई ताकु जहा दबो से स्वीकार करिवो आ से ताकु जहा दबो ये ग्रहण करिवो। ये तीनटा कथा हेले ही द्रव्यर आदान प्रदान हो थाए भावर आदान प्रदान हो थाए। आ भगवान कहले हे दुर्योधन मोर अभाव नहीं जेणु ब्रह्मांडर नाथ, तोर प्रभाव नहीं जेणु यश निश्वसितं वेदः ब्रह्मांडं च कलेवरम मु सारा जगतर नाथ द्वारिकाधीश। आ तोर मोर स्वभाव मिशुनी, तू पांचटा गाँ मत दे पारुनी मोर भक्तंकर मान रक्षा करिवा निमन्ते, मु तोठु केमिति 56 भोग स्वीकार करिवि कह तोर मोर स्वभाव मिशुनी। आ जानिचंती जे प्रभु अनंत ब्रह्मांडर नायक जहांकर अभाव नाही जहांक निकटरे कहार प्रभाव नाही आ जहांक सह तार स्वभाव मिसी जाए से प्रभु विदुरंकर घरे पहुंची गले गला बेलू विदुर नाहंती विदुराणी अछंती विदुरंकर पत्नी भगवानकर परम भक्त परम भागवत नित्य द्वारिकाधीशंकर नाम रूप लीला धामर चिंतनरे निमग्न विदुराणी। विदुराणी निज प्राण वल्लभ को देखिले द्वार मुहरे आहा द्वारिकाधीश एत दिन पर आस प्रथम थर पर पाद पड़ला मो घरे तुम खोजुली मन मन कृष्ण केमिति आसवा है केमिति अछ कौन खाइछ वात्सल्य रसर उपासक। भगवान कहले कहले माँ भीषण भोक मत कहतु तो अरे ब्रह्मांड माल माल हो जाल मो कूपे विराज ताकू पुणी भोक अभाव भगवान को रही माँ गंडे खाइबा को दिये भक्त को प्रभावित करने निम्ते प्रभाव बढ़ाऊँ हाथ जोड़ी
जेणु विदुराणी सहित भगवान स्वभाव मिसी जाइए से भावग्राही जनार्दन आ विदुराणी काले भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश को कदली दबा आरंभ कले आदली दबा समय एमती भाव निमग्न अच्छा कदलू चोपा छड़ चोपाटा बढ़ाऊ द्वारिकाधीश को आदली को फिंगी दौंट से प्रकार ज्ञान ना ये चोपा कि कदली कृष्ण भाव में भावित होकर अच्छा ये हूँ भक्तर आत्यंतिक अवस्था आ भगवान खूब आनंद मन से कदली चोपा खाऊ देखा कदली को फिंगी दौंट सेपटे विदुर आसुंच दौड़ी आसला बेलू आहा साक्षात परम ब्रह्म नारायण द्वारिकाधीश कदली चोपा विदुराणी तोर कम साहस नुह जहां सेवा करने निम्ते सत्य भाम आदि रुक्मिणी आदि अष्टपाट वंशी व्याकुड़ विकल आकुल तू कौन खुआउ रे रत्नाकर जमंदीर रमा रमणी जहार जहार कौस्तुभ मणिवर कौन खुआउ कदली चोपा खुआउ भाई कांद कांद हो गले से पर्यंत ज्ञान ना विदुर आसी पहुंचीगले विदुराणी जापार ना भाव भावित होती जिते से संज्ञा को आसिले कृष्ण भाव रू पछक फेरिले केड़े बड़ अपराध करदेली हे नाथ क्षमा कर दि भगवान आनंद विदुराणी को क्रोड़ग्रस्त कले आलिंगन कले कुंड धरले कहे माँ मु भावग्राही मु कदली खाएनि कि चोपा खाएनि तार भाव को स्वीकार कले भक्त बंधु ए प्रकार विशद उपक्रमणिका प्रदान करिवार एकमात्र लक्ष्य होची आम मणिमा भाव को स्वीकार करती से द्रव्य को स्वीकार करती आपण से द्रव्यर मोहरे केबे मोहित हेबेनि भाव को देखिबे आ जदि आपण निकटरे भाव अछि ना भावग्राही आपणक घर को आसी जिवे आपणक हातरु बसी जेमिति विदुराणी पाखरु खाउथिले ना सेमिति आपण निकटरु खाइबे या निसंदेह किए कहे जगन्नाथे खांती नाही ताकु जशोदा परिका केही खुआंती नाही तेणु खाए से नाही किए कहे जगन्नाथ पियंती नाही ताकु माणिक परिका दही पियांती नाही तेणु पिए से नाही किए कहे जगन्नाथे नियंती नाही ताकु दासिया परिका केही दियंती नाही तेणु निए से नाही किए कहे जगन्नाथे सुणंती नाही किए कहे जगन्नाथे सुणंती नाही ताकु द्रौपदी परिका केही डाकंती नाही तेणु सुणे से नाही किए कहे जगन्नाथे दियंती नाही ताकु बंधुआ परिका केही मागंती नाही तेणु दिए से नाही अरे आमको मागिवा जणा नाही आमको दबा जणा नाही आमको खुआइवा जणा नाही आमको पियाइवा जणा नाही आमको सुआइवा जणा नाही से केमिति स्वीकार करिवो ये सबुर मूल हेतु होची भाव तस्मात भाव ही केवलं बलि भिन्न भिन्न शास्त्र मत निवेश करंती महाप्रभु भावग्राही तंगु द्रव्यर मोहरे मोहित करिवा को चेष्टा करंतु नाही हे भक्त बंधु ए प्रकार विशद भाव प्रदान करिवार एकमात्र कारण होची आपण आपणकर मन रूपक पुष्प को मन रूपक द्रव्य को महाप्रभु चरणारविंद भाव सहित निवेदन करिवे अरे रत्नाकर स्तव गृह गृहिणी च पद्मा तंग घर रत्नाकर समुद्र रे तंकर घर आज्ञा अरे जहाँ घर समुद्र रत्न जोटी उत्पत्ति स्थल से कौन ना आ गृहिणी च पद्मा पिंपुड़ी ठू आरंभ कर डायनोसर पर्यंत समस्त खाइबा को जगेला वाला साक्षात श्रीमंदिर पट्ट महिषी महाप्रभु प्राणवल्लभा जगन्नाथ हृदयेश्वरी महालक्ष्मी जहाँ पत्नी तो कौन खाइबा को आपण दे पारे मो आमे निजे परा महालक्ष्मी कृपा को आसना कर हाथ जोड़ी पूजा करे माँ आम गंडे व्यवस्था करतु जार स्त्री महालक्ष्मी कौन दे पारे किंगदेयमस्ति भवते पुरुषोत्तम आय हे पुरुषोत्तम संसार किंगदेयमस्ति आपण कौन देहब मणिमा आपण गोटे कथा देहब कौन जानी आभीरी बाम नयना हृतमान साय दत्तंग मनो यदुपते तमिदंग रुहाणं प्रभु मु शुणी गोपर गौड़ुणी साक्षात प्रभु आपण आह्लाद निशक्ति राधाराणी आपणकर मन को हरण कर मणिमा मन मणिमा पाखे न थाए तार प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ महाप्रभु बसंति रत्न सिंहासन उपरे तेणे बैगण कियारी रे माल्याणी जगह गीत गोविंद बोलिले महाप्रभु ता पछरे धाइले जदि मणिमा मन मणिमा पाखे था मणिमा तो रत्न सिंहासन था से माल्याणी पछरे कहीं धाइले कहतु बलंगारे अर्थात महाप्रभु मन महाप्रभु पाखे न थाए जो जिनस जहाँ पाखे नाक जिनस दे आनंद मिल मो पाखे अनेक खाइबापी अच्छी खाद्य द्रव्य अच्छी आपड़ मत आनी खाद्य द्रव्य देते मत कौन आनंद मिल मो पाखे पाणी ना आपड़ी पा देदेवे मत आनंद लगे जो प्रभु सारा जगतर नाथ तखे गोटे जिनसर अभाव ता हूँ मन तेणु दत्तंग मनो यदुपते तुम दंग गृहाण हे मणिमा
ଆପଣ ଏ ମନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ, ଯେ ତାଙ୍କର କୃପା ହୁଏ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ପଦ୍ମମୁଖ ବେଶ, ସେ ପଦ୍ମମୁଖ ବେଶର ଉପକ୍ରମଣିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଲୀଳା ରଚନା କରିପାରନ୍ତି। ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନୋହର ଦାସ, ଆରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ରାଜନେତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳାଧାମରେ ଯେ ନିତ୍ୟ ନିମଜ୍ଜିତ, ତାଙ୍କର ରସା ସ୍ୱାଦନରେ ଯେ ନିତ୍ୟ ରସିକ, ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବିନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନୋହର ଦାସ ନାମକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ସୁଦୂର ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଣିମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ଆହା, ସେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ, ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଲିଙ୍ଗଂ ଭଜେ ଜଗନ୍ନାଥଂ, ଇ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଲିଙ୍ଗଂ ସ୍ୱୟଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତନୁ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ବୋଲି ସେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଲାଳସନାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମନୋହର ଦାସ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହି ରହିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲିକରି ଆସିବେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହି ପୁଣି ତାର ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଦୈବାତ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଲା, ଭୀଷଣ ଶୋଷ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୋଷ ହେଲା। ଆଉ ଶୀତଦିନେ ଶୋଷ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେ ଅନୁଭବୀ ସେ ଜାଣେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ଏ ସମୟରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଣରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିକିରି ଅଛି, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ପ୍ରଥମେ ପିଇଦେଲେ। ଜଳପାନ ପରି ଚିନ୍ତା କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭୀଷଣ ଶୋଷରେ ପକାଇଲେ, ଜୀବନରେ ତ ଏମିତି ଶୋଷ ମୋତେ କେବେ ହେଇନି ଯେମିତି ଶୋଷ ଆଜି ହେଲା, କାହିଁ ମୋତେ ଶୋଷରେ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଶୀତ ଦିନେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେନି, ଆଉ ଏ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି ଭରପୁର। ବୋଧେ ମଣିମା ମୋତେ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲୀଳା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଉ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବାଜୀର କ'ଣ ବା ଅଛି, ସବୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ କୌ ପିନବନ୍ତ ଖଳୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ତାର ଶରଣାଗତ ହେଇଛି, କ'ଣ ବା ମୋ ପାଖରେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇପାରିବି ମୁଁ। ବୋଧହୁଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁଚି ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପଦ୍ମକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ତ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି, ଲୌକିକ କାରଣ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ହେଉଛି ପଦ୍ମ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁଟା ଘର ସେଇଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରମ ରୁଚି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଗଳ ଦିବ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଜଗତରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଯେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦ୍ମରେ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଉ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କର ଆଳୟ, ପଦ୍ମ ତାଙ୍କର ନିବାସ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଲଗାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଇଏ ପଦ୍ମ ନୁହେଁ ଯେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିବାସ ସହିତ ମୋର ଶ୍ରୀଙ୍କର ନିବାସ କରୁଛି। ଆହା, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମନୋହର ଦାସଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରି ମଣିମା ଶୀତଦିନେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ଆରେ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ୍ ସମର୍ଥ, ସଂସାର ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କଲାବାଲା ଆମ ମଣିମା, ଯିଏ ଶରଦୋତ୍ ଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକା, ଯିଏ ମହାରାସ ରଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶରତ ଋତୁରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଆବାହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶୀତରେ କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମନୋହର ଦାସ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁଇଟା ତ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାନ୍ତି, ସେ ଘୋଡ଼େଇବା ବସ୍ତ୍ରରେ ସବୁତକ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। କାହିଁ ନା କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଯିଏ ନିଜେ ପଦ୍ମ ଧାରି ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବେ। ପଦ୍ମ ଗଣ୍ଠିଲି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ମଥାରେ ଧାରଣ କଲେ, ଧାଇଁଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେଦିନ ମାଘ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା, ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ମା ଭଗବତୀ ବିରଜାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଯାଜ୍ରନଗରର ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମା ସେ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମାଘ ଅମାବାସ୍ୟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ସେ ନିମନ୍ତେ। ଇତି ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଟୁଳିକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମଣିମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, କହିଲେ ଆହା ମଣିମା ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ଦିଶୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ମାଧୁରୀକୁ, ଶୋଭା ମାଧୁରୀକୁ, ରୂପ ମାଧୁରୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରମ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱରୂପ ଏ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତ ପଦହୀନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମର କୋଟି ନୁହେଁ ଯାହାର ଶୋଭାକୁ ସମାନ, କୋଟି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଦର୍ପକୁ ବିମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ତନୁକାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଗଲେ ମନୋହର ଦାସ। ଲୁହା ଆଖିରୁ ଠପ୍ 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 ଖସିଗଲା। ଆଉ ଏଣେ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁଟୁଳି, ମଣିମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜନୈକ ସେବକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେବକ ଜଣକ ପଦ୍ମ ନାଁ ଶୁଣିକି କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଶୀତଦିନେ ପୁଣି ପଦ୍ମ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ, ଦେଖା ତ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ସହଜେ ବାବାଜୀ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ମିଳୁଥିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଥରେ ଧୋଇବେ, ତାକୁ ପୁଣି କୌପିନ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ଶୁଖିଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଉ ଥରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଏ ଭିତରେ ବସ୍ତ୍ରଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ମଇଳା ହୋଇଯାଇଛି, କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଚାରିଦିନ କାଳ ପଦ୍ମ ସେ ପେଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ପୁଟୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେବକ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ସେ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ପଚିଯାଇଛି, ସଢ଼ିଯାଇଛି, ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଏଣେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଗଣ୍ଠିଲି କରିକିରି, ମଇଳା ଛିଆ ବସ୍ତ୍ରଟା, ଆରେ ଯେଉଁଠି ମାଛି ଫଳିଲେ ନବଖଣ୍ଡ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ହେବ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମାଳ ହେଇକି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯିବ। ଦୟଣାମାଳି ଫୁଲ ତୋଳିବେ, ମାଲ୍ୟାଣୀମାନେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବେ, ସେ ଫୁଲ ମାଳକୁ ଆଉ ଥରେ ତନଖି କରି ବରକନ୍ଦାଜ ସେବକ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଗାରଦ ନିକଟରେ। ଗାରଦରେ ଛାମୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକମାନେ ତାକୁ ତନଖି କରିବେ, ତନ୍ନତନ୍ନ କରି, ଯେହେତୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ତ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିଯାଇନି ତ, କେଶରାଶି ନାହିଁ ତ, ତନଖି କରାହବ ବାରମ୍ବାର, ପୁଷ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ହେଇନି ତ, ଶୁଖିଯାଇନି ତ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରୁନି ତ। ତନଖି କଲା ପରେ ତାକୁ ଚାଙ୍ଗେଡ଼ାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ ରତ୍ନସିଂହାସନର ପୋଖରିଆ ନିକଟରେ। ଶ୍ରୀ ଚାଙ୍ଗେଡ଼ା ମେକାପ ସେବକ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେ ପୁଷ୍ପାଭରଣକୁ, ପୁଷ୍ପମାଳାକୁ, ତାକୁ ସିଂହାରୀମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡନ କରିବେ। ଆରେ ଯେଉଁଠି ଫୁଲଟିଏ ମାଳ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ମଣ୍ଡନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ମନୋହର ଦାସ ବାବାଜୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପଚିଯାଇଛି, ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମ ଶାନ୍ତ ଧାରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିଲେ ସେ ସେବକ ରାଗି ଗରମ ହେଇଗଲା। ସେବକଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଜନିତ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଭକ୍ତ ସାହସ କରିବ, ତାକୁ ସେବକ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେ ତା ଭାବରେ ଫେରେଇଦେଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଫୁଲ ତକ। ମନୋହର ଦାସ ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଲା, କଣ୍ଠ କୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, କହିଲା ମଣିମା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଯେ ସେ ଫୁଲ ଆପଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ ଫୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ନିଆଇଥିଲି, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କ'ଣ ମୁଁ ଅନୁକୁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଶୀତଦିନ ତ ପଦ୍ମ ଆପଣ ହିଁ ଫୁଟେଇ ପାରନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ଜଣା ପଦ୍ମ କାହିଁ ଫୁଟିଛି, ଆପଣ ଧାରଣ କରିବେନି ତ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ଆଗରେ, ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଉଳ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବେ ତ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେ ତୁମରଖ ବାରେ ଅସୁର ନିକନ୍ଦନ ରାମ ଦୁଲାରେ, ଯେଉଁଠି ଚାରିଦ୍ୱାରେ ଚାରି ମହାବୀରଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପତିତ ପାବନ ଧ୍ୱଜକୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋ ଭଳି ପତିତକୁ କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି ପ୍ରଭୁ। ଏହା କହି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁତକ ଫୁଲ ଗୋଟେଇକିରି
बड़ देउळर बाम सिंह निकटरे जदि आप श्रीमंदिर को मुह करेंगे तेरे डाहाण पटे जो सिंह अच्छा लागिकी गोटे मठ जान अच्छी बड़ छत्ता मठ रामानंदी संप्रदायर एक प्रख्यात मठ से बसीगले छता आगे चका पारिदे आठ नीलचक्र को ध्यान कर प्रभु तो दुआरे आज साधु न खाई मर आते निंदा हे कहरे कालिया तो सिंह दुआरे नीति किया एते पाटी काछ पर भांगी कलु कि उच्छन्न तोचका आखि तराटी आपण को निंदा हे आपण साधु को रखापी जो विचित्र ध्वज को उड़ाऊ बड़ देउर साम्राज्य या तो दुआरे साधु आज न खाई मर भल लगुच त या कहीक मनोहर दास लुह छल छल से फूल तक धरिक शईपड़े तेणे मणिमा को निद हम तांको भक्त जो अनशन व्रत पड़ी सिंगी द्वार मुहरे न खाई न पी तांको द्वार मुहरे भक्त अपमानित होती भक्त मर्यादा हानि सेठी से महाप्रभु रत्न सिंहासन में बसी पारे स्त्री सहित कौन आनंद अनुभूति करें महाप्रसाद खाईपर आरे से भक्त रंकुणा आ गया भक्त कांगा जी तीसटा विदेशी भक्त आसवे निजर सेवक को सहित प्रशासन गंडगोल कई देढ़ घंटा काल सुदर्शन को अटकई पारती भक्त को उपेक्षा करती भक्त को अपेक्षा करती सी कौन मनोहर दास परम भक्त को एमती मर्यादा हानि कर रत्न सिंहासन उपरे कौन करहतु से अवस्था ए समय महाप्रभु गजपति महाराज को स्वप्नादेश देखे तो सेवक मो भक्त को अपमान दे बड़ देउल विदा कई मो सम्मुखरे बड़ छता मठरे मो भक्त न खाई न पी से फूल को धरिकी सोई देखे जदि एवं सांगे सांगे से फूल को आणिकी मो देहरे न लगा ही एवं मोर भक्तर जीवन रक्षा निमन्ते पद्मगंधा चाउल खीरी मत भोग लगे से भक्त को न खुआई मु रही श्रीमंदिर जो मोर भक्त को निंदा हुए मुझे निवास कैनी जिते गजपति महाराजा स्वप्न भग्न है से शुणिले जे महाप्रभु मते ए प्रकार वार्ता प्रेरण करिसेंती जेणु गजपति निजे चलती नारायण जगन्नाथ चलती प्रतिमा धाईले बड़ देउल को देखला बेल को डाहाण पटे बर्छता मठ तले से सन्यासी शयन करिसेंती चरणार बिंदरे गजपति महाराजा साष्टांग दंडवत प्रणाम कले कले महाराज क्षमा कर दिंतु बड़ त्रुटि आम द्वारा ही अपराध कर आपण परम भागवत परम जगन्नाथ भक्त को अपमान आपड़ दिंतु से फूल सतु सत से फूल सबू सढ़ी जाइला आत महाप्रभु बड़ सिंहार विषय था दर्शक बंधु आप आश्चर्यान्वित हे समग्र वर्ष मध्य एकम्र बेश जो दिन कि बड़ सिंहार बेश न हो बड़ सिंहार बेश होगा परे महाप्रभु पद्ममुख बेश हमें प्रभुं श्रीअंगे से सढ़ी जाइवा पर्जुषित हो जा दुर्गंध फूल को महाप्रभु श्रीअंग लागि कर दिगला आप आश्चर्यान्वित हे जितेबले से फूल सब महाप्रभु श्रीअंग लागले से फूल आपणा छाई फुटीगले से विचित्र सुगंध सृष्टि जो दृश्य को देख मनोहर दास हाथ उपरको उठेदेले कहे प्रभु तू सतरे भक्तर मान रक्षा करदेलु भक्तर भाव रक्षा करदेलु आ कौन कर समय पद्मगंधा चाउल खीरी को स्वतंत्र भाव में महाप्रभु छामुरे निवेदन करागला आकु मनोहर दास ग्रहण कले मनोहर दास अनशन व्रत भग्न है से दिन ठारु जेहेतु मणिमा भक्त मान रक्षा करते तार स्मृति स्वरूप एजावत बड़ छता मठ तरफ महाप्रभु स्वतंत्र पद्म वेशर व्यवस्था करबे हम ना माघ मासर अमावास्या ठारु शुक्लपक्षर पंचमी भितर अर्थात सरस्वती पूजा भितर जेकोसी बुधवार कि शनिवार ना कौन पर प्रकार व्यवस्था रही ना तार मूल दुईटी कारण प्रथम कारण हूँ जितेबले मनोहर दास आसी माघ अमावास्या दिन पहुँची थे बड़ देउल पर महाप्रभु से बेश होते ये प्रथम कारण आ द्वितीय कारण हूँ जितेबले पोखरी पद्म फुटे पोखरीर जलर रंग नील हो जाए बा गाढ़ कला दिशे आ महाप्रभु दीटा रंगर घोड़ जेहेतु घोड़ लगी चली महाप्रभु बुधवार किंवा शनिवार नील ना सबुज ना गाढ़ कला सत्यवा महाप्रभु श्रीअंग श्रीअंग नुहजे गोटे पद्म पोखरी भ्रम सृष्टि कर से निमंते दीटा घोड़ उपर बेशवार स्वतंत्र मर्यादा रही जितेबले से बेश महाप्रभु हमें बड़ विचित्र ढंग से बर्तमान सीना पद्म फूल फुटुनी सोलो जरी जमुरारे बर्छता मठ तरफ
पद्म बेश साज तैयारी करा जाय थाए कैथ अठा दिया हेकरी श्रीमंदिर पारंपरिक कुशली कारीगर माने ताकु तैयारी करंती एवं महाप्रभु चंदन लागी नीति बढ़ी सारिला परे से बेश को स्वीकार करंती संपूर्ण व्यवस्था बड़छता मठ तरफुर करा जाय थाए एवं पद्म नाड़ पद्म केसर पद्म पुष्प सोलो जरी जंबुरा निर्मित पद्म महाप्रभु श्रृंग लगी हुंती एवं ता तले दुईट हंस खेलु थांती सत्यवा से दिन बड़ देउल पोखरिया पोखरिया हाई रहेनी नील पोखरी हो जाए आठी कला पद्म फुटिकी थाए बठा गुरे सुभद्रा सुदर्शन समस्त से बेश विभूषित कराई थाए आ भक्त प्रार्थना कै मनोहर दास मन को जिणी मनरे बसीच मनर मणि मनमोहन पद्म बेश मन लोभा उठे मनुआ हस मने बाजिला बाजा मन पद्म को मनई नव हे मन राइजर रजा हे मन राइजर एकमात्र रजा एकमात्र सम्राट राजाधिराज राजेश्वर मोरे मन पद्म को तुम मनई नि जमती संसार रे कहा पाखरे मध्य न लगू केवल तुम पाखे लगिकी था प्रभु ए गोटे मिनती प्रत्येक भक्त करती महाप्रभु को जितेबले पद्म बेश विभूषित होती प्रभु को अमालू आ खीरी भोग होवार स्वतंत्र परंपरा रही से पद्मगंधा चाउल खीरी कथा को मन पकईदे आउ के कहते से पद्म केसर प्रस्तुत दाना मध्यम खीरी तैयारी करा जे महाप्रभु को निवेदन करा जायतला से समय रे तार स्मृति स्वरूप महाप्रभु पद्म बेश रे अमालु खीरी लागी होउछ भक्त प्रार्थना करे पद्म मुहरे पद्म आखि को पद्म रंग अधर पद्म श्रीभुज पद्म पयर पद्म रे कळेवर पद्म मुख से बेश पद्म करे पद्म धरिण पद्म मो जगदीश पद्म मुख से बेश सतरे सत्यवा ए प्रकार भ्रम सृष्टि हुए नील पोखरी रे कला पद्म फुटी भक्त बंधु आमरी मन रूपक भ्रमर कला पद्म उपरे बसी जाऊ कहीं जानी दारु भेदक्षम भ्रमर पशी कमल कोले पासरे आपणा विक्रम शोभा वचन बोले आपण जानती गोटे भ्रमर काठ को काटी देगी ता भितर कोरण करी निवास करी पारे किंतु जेते बेले से पद्मर सुगंधरे पद्मर स्वरूप आकर्षित होई पद्मर कर्णिकारे बसी रसास्वादन करुथाए मधु आस्वादन करुथाए ता मोहू पीऊ थाए ए समय रे सूर्य अस्त हो जाए आ समस्त पद्मर कलिका मान पाखुड़ा मान आउ थे चिपी हो जाती बंद हो जाती आउ ता भितर रही जाए भ्रमरटी बाहर को बाहरी पारे ना मत कहतु जो भ्रमर काठ काटी पारुची से पद्म पाखुड़ा काटी पारनी ना 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 पासरे आपणा विक्रम शोभा वचन बड़े दारु भेदक्षम भ्रमर पशी कमल कोले जितेबले से कमलर प्रेम बंधा हेकि भ्रमर प्रवेश करे प्रेम जनित भाव जनित प्रीति जनित रति जनित रस जनित संबंध रे बंधा हेकि भ्रमर आउ से पद्म पाखुड़ा काटी पारे ना ता भितर निवास करिथे से प्रकार भक्तर आम मानकर मन रूपक भ्रमर कालिया शांतंकर पद्म मुख बेशरे से पद्म भितर नित्य निमज्जित रहु शरीर संसार प्रति आसक्त न हो यही भाव सहित वाणी को विश्राम दौचु आपण निश्चय जीवे महाप्रभुर पद्म मुख बेश को देखिए शांतंकर पद्मपण को अनुभव करिवे आ भाव निमज्जित हे।